एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि आप शोल्डर की प्लीट्स को ब्लाउज से कैसे अटैच कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि दी हमें शोल्डर प्लीट्स को अटैच करने में मुश्किल होती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली यही वीडियो लेके आई हूँ और मैंने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस साड़ी पे मैं आपको ब्लाउज पे प्लीट्स को सेट करके दिखाने वाली हूँ। ड्रिपिंग नहीं दिखाने वाली हूँ, सिर्फ पल्ले का मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये है पल्ले का एज और इस तरीके से आपको पहले तो पल्ले को पकड़ना है और अपनी फिंगर और थंब का यूज़ करते हुए जिगजैग करते हुए प्लीट्स बना लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको प्लीट्स बनाना नहीं आता है ना, तो मैंने प्लीट्स के लिए स्पेशली प्लीट्स कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर देख लें। अब इस तरीके से इसको शेक कर लें और शेक करने के बाद नीचे आकर जहाँ पर आप शोल्डर पे पल्ले को रखने वाले हैं वहाँ तक प्लीट्स को अरेंज कर लें। और इस तरीके से अरेंज करने के बाद एक बार अपने हाथ में ले और दूसरे हाथ से सारी प्लीट्स को छोटी छोटी अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद आपको लेनी है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन से आपको पीछे की तरफ पिनअप कर लेना है। फ्रेंड्स, पिनअप करने से ना क्या होता है कि आप जब विदाउट पिनअप अगर डायरेक्ट अपने शोल्डर पर प्लीट्स को लेके जाते हो तो आगे की तरफ से प्लीट्स निकल के बाहर आ जाती है। बट अगर आप इस तरीके से करते हैं, पिनअप्स का पिनअप करते हैं, तो आपकी जो शोल्डर पिन जो शोल्डर प्लीट्स होती हैं ना, एक तो वो बाहर की तरफ नहीं निकलती हैं और कई बार ऐसा होता है कि प्लीट्स छूट जाती हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है फर्स्ट बॉर्डर वाला और पीछे की तरफ जितनी भी प्लीट्स हैं वो छोटी छोटी हैं, ठीक है। अब मैंने जहाँ पिनअप की हुई है उसे मैं अपने शोल्डर पे रखूँगी। अब कभी भी ब्लाउज का पिन आगे की तरफ नहीं लगाते, एकदम पीछे की तरफ नहीं लगाते हैं, प्लीट्स को पिनअप कर नहीं करते हैं, मिड में करते हैं। अब ये देखिए, ब्लाउज़ दो पार्ट में सिला हुआ होता है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो आगे वाले पार्ट पे नहीं, पीछे वाले पार्ट की जो सिलाई होती है वहाँ पर आपको पिन से पिनअप करना है। मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है सुनने में, इसके लिए रियली वेरी सॉरी। अब देखिए, पीछे वाला जो एरिया है जहाँ पे मैंने हाथ लगा रखा है, आपको वहीं पे उसी तरीके से आपको अपने ब्लाउज़ में साड़ी को की प्लीट्स को अटैच करना है। अब ये मैंने लिया सेफ्टी पिन और पहले साड़ी और ब्लाउज़ का जो नेक है ना उसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया और फिर उसके बाद उसमें पिन लगाया। तो मैं आपको बहुत बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद पिन को आगे की तरफ किया और उसे अटैच कर लिया और फिर उसे सेट कर लिया। तो मैं इसी तरीके से अपने ब्लाउज़ में पिन को पिनअप करती हूँ। अब फ्रंट की जो साड़ी है उसे भी अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार अच्छा दिखाई नहीं देता है और मैं बिल्कुल भी इस तरीके से साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो जब भी मैं अपनी आगे की प्लीट्स को सेट करती हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे सेट करती हूँ। तो वन बाय वन पहले तो थोड़ा सा नीचे आके और सारी प्लीट्स को ऐसे सेट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत क्लियर तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जो लास्ट की प्लीट है ना उसको एज इट इज़ नहीं करती, क्योंकि वो फिर वो खींची हुई दिखाई देती है। तो लास्ट की जो प्लीट होती है उसको हल्का सा थोड़ा चौड़ा कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद उसे, इससे क्या होता है, साड़ी का जो पल्ला होता है वो खींचा हुआ नहीं दिखाई देता और ये जो फर्स्ट पल्ला है उसको ऊपर करने के बाद पिन से पिनअप कर लेती हूँ अंदर की तरफ। अब आपने पूछा था दी आप नेक का क्या यूज़ करते हो, देखिए मैंने अभी आपको नेक दिखाया ना, वो वाला जो नेक जा रहा है ना उसके साथ प्लीट्स को सेट करती हूँ एंड देन उसके बाद नेक के साथ ही पिन से पिनअप कर देती हूँ। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप जो नीचे की तरफ जब पिन से पिनअप करते हैं ना, तो उसे नेक के साथ ज़रूर सेट करें और थोड़ा सा उसके बाद सारी प्लीट्स को अरेंज कर लें दोबारा से। और मंगलसूत्र मैंने ऊपर कर लिया है, अब ये सारी प्लीट्स को मैं अगेन अरेंज कर रही हूँ। और देखिए, साड़ी मैंने पहन ली है, प्लीट्स मेरी काफ़ी अच्छे सेट हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।